XIE900 wired stereo gaming headset over ear headphone with noise cancelling mic and detachable mic, compatible with PS4, Xbox One, PC, Mac, laptop, and etc. And आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, गेमिंग हेडसेट। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं इनकी जो भी इसकी डिटेल्स रहेंगी आपको मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसमें जो अपना म्यूट स्विच ऑप्शन और वॉल्यूम कंट्रोल इसमें आता ही है, और इसमें जो नॉइस कैंसलिंग माइक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, और इसमें जो है ड्यूरेबल मेटल फ्रेम बिल्ड क्वालिटी का है इसमें, एंड डिटैचेबल जो अपना नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है वो आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाके, एंड सॉफ्ट मेमोरी प्रोटीन एयर मफ इसके अंदर अवेलेबल है, एंड एडजस्टेबल हेड बैंड है जो कि अपना मेनली सभी में आता है तो इसमें भी अवेलेबल है, एंड मल्टी प्लेटफॉर्म्स कैपेबिलिटी है इसमें, एक्सबॉक्स वन, PS4, PC, लैपटॉप्स एंड बॉक्स। और ये जो है सुटेबल है ऑल 3.5 mm इंटरफेस डिवाइसेस। तो ये आप पाउच भी देख सकते हैं, इस पाउच के अंदर जो है हमारा हेडफोन रखा हुआ है, तो उसको अपन खोल के दिखाते हैं आपको। तो ये अपना हेडफोन है, एंड इसके अंदर ये आपको साइड की तरफ से एक मैनुअल मिल जाएगी, इसको अपन को पढ़ लेना है। अगर आपको जो है एक्सोस वन वगैरह में या फिर रिमोट वगैरह में लगाने हैं तो उसमें आपको थोड़ा हेल्प करेगा, इसलिए आप इसको रीड कर लीजिए, और मतलब इसको वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं, वरना मैं आपको और भी दिखाऊंगा। अभी ये वाला मत रीड करना, एक और है वो वाला रीड करेंगे आप। ये देखिए आपका डिटैचेबल, ये देख सकते हैं हम डिटैचेबल अपना माइक, एंड ये उसके साथ जो है अपना केबल मिलेगी जो कि आप कंप्यूटर वगैरह में अपने यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है दो स्लॉट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे कनेक्ट करके बाकी की वो दो इसमें अपन लगा सकते हैं, और ये अपना हेडफोन रहा, देख सकते हैं चारों तरफ से। इसमें जो है RGB प्रोवाइड नहीं है, RGB वाला अगर आपको लेना है तो थोड़ा और महंगा आएगा इससे। इसका आपका ब्रांडिंग देख सकते हैं ऊपर, और ठीक है स्ट्रेचेबल ठीक है, ये अपना ज़्यादा नहीं है, स्टाइलिश है थोड़ा, देख सकते हैं वायर भी इसके स्प्रिंग के टाइप जैसे स्प्रिंग जैसी होते हैं वैसे इसके अंदर है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये भी काफ़ी सही है, इसका सॉफ्ट है जो कि आपको आपके जो दर्द मतलब जो क्योंकि अपन ज़्यादा पहने रहते हैं तो दर्द होने लगते हैं अपने कान पर, इसमें जो है अपने नहीं होंगे इतना, क्योंकि गेमिंग के लिए अपने क्या है अपने काफ़ी देर तक गेमिंग करते हैं तो उस हिसाब से ये बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यूट का है, अपनी माइक की म्यूट की बटन है, इसे म्यूट और कर सकते हैं भाई, ये वॉल्यूम वाला है ठीक है। ये म्यूट बटन हो गया, ओके। अब आपको दिखाते हैं ये अपना माइक जो कि डिटैचेबल है, और नॉइस कैंसलिंग इसका काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, आप इसको ले सकते हैं गेमिंग के लिए, काफ़ी बेस्ट रहेगा। चलिए इसको लगाते हैं, यहाँ पे इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है 3.5 mm का, 3.5 mm का जो आप यहाँ पे जग देता है इसके अंदर, ये माइक जो है आराम से फिट हो जाता है, और इस तरीके से आप इसको टिल्ट करके ऐसे कर सकते हैं अपनी माउथ के पास, जिससे कि आपको वॉइस क्लियर आए, मतलब ज़्यादा पास भी मत रखना, दूर ही रखना थोड़ा। और ये अपना फिटेड है और कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। हाँ इसकी मैं बात कर रहा था, इसको आप जो है पॉज करके अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी आपको मदद कर रहेगा ये सेटअप करना, अगर आपको हेडसेट अपने एक्सबॉक्स गेमिंग के साथ ठीक है ना कंसोल के साथ, तो उसके हिसाब से ये आपको रीड कर लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसका डिज़ाइन चारों तरफ से, मैंने थोड़ा क्लोज व्यू दिखाया है, देखने में ठीक है, ज़्यादा कुछ वैसा हाई फाई नहीं है, देखने में ठीक है। और आपको इसकी जो लिंक है मैंने अमेज़ोन की लिंक से मैंने डाल दी है, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अभी जो मिल रहा है ये 2350 में मिल रहा है आपको अमेज़ोन पे, अभी देखते हैं वो रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इसको क्लोज व्यू में, आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ से, ठीक है फिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बस इतना ही मेरे को वीडियो में बताना था, बस ऐसे ही लाइक कीजिए और मुस्कुराते रहिए।